السلام عليكم आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हांडी की रेसिपी और मज़े की बात किया है कि हम इसे हांडी में नहीं बना रहे हैं हम इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पतीला ले लेना है उसके अंदर डालना है जी डेढ़ कप के बराबर ऑयल आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं देसी घी भी ले सकते हैं दो मीडियम साइज़ के जो है मैंने प्याज चॉप किए थे रफली और इनको हमने ब्राउन कर लेना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बस गोल्डन कलर आने तक हमने इनको ब्राउन करना है तो यहाँ पर ये देखिए इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हमें इसके अंदर ऐड की है एक किलो चिकन अच्छा ये जो चिकन है ये मैंने इसके कढ़ाई पीस करवाए हुए हैं आप चाहें तो पूरी जो बोनलेस होती है उसकी भी बना सकते हैं ये हांडी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन जो है चिकन हांडी बन के रेडी होगी यहाँ पर हमने चिकन का कलर थोड़ा चेंज कर लेना जैसे ही इसका चिकन का कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ये एक चम्मच जो है लहसुन का और एक चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है मैंने इसमें तो यहाँ पर हमें लहसन अदरक की एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी इसका मतलब कि वो अच्छे से पक चुका है तो इसमें मैंने ऐड किए हैं छः अदर टमाटर जिनको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ था और ये थोड़े फ्रोज़न थे इस वजह से ये अच्छे से जो है घुल गए बीच में यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था तो पाँच से छः मिनट के लिए मीडियम आंच पर और यहाँ पर ये अच्छे से बीच में पक चुके हैं यानी कि अब नज़र ज़्यादा नहीं आ रहे तो अब मैंने इसको जो है इसमें ऐड करनी है गरम मसाला हमने गरम मसाला पहले ऐड नहीं करना एक दार चीनी का टुकड़ा लिया है मैंने उसको तोड़ के डाला है इसके बाद तेज पत्ता डाला है तीन मैंने डाली है मोटी लाल मिर्च और उसके साथ ही दो मैंने जो है मोटी इलायचियाँ डाली हैं गरम मसाला डाला है नमक लाल मिर्च थरा मिर्च और इसके बाद सूखा धनिया और फिर जाएगा इसके अंदर आ, हल्दी अच्छा ये वो मसाले हैं जो घर पे इजीली अबे अवेलेबल होते हैं लास्ट में मैंने डाला था इसमें काली मिर्च का पाउडर इससे जायका बहुत ज़्यादा बेहतरीन आएगा आपने इसे अच्छे से कुक करना है लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है देगी लाल मिर्च अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं वैसे ही कलर अच्छा आ जाएगा इससे ये होता है कि लुक बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना वैसे बनती है कढ़ाई कुछ मैंने हरी मिर्ची काट के डाली थी एक कप मैंने इसमें दही डाला है छरी छरी सामने इसको मिक्स करना है और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ टेबल स्पून ये मेथी है कसूरी मेथी जायका बहुत अच्छा आता है ये ऐड की है और साथ कुछ हरी मिर्ची मैंने साबुत डाली हैं यहाँ पर मैं इसे कवर कर दूँगी तकरीबन पाँच से छः मिनट के लिए वैसे ही चिकन हमारी कुक हो चुकी है लेकिन यह यहाँ पर इस तरीके से ये होता है कि मसाले भी कुक हो जाते हैं लास्ट में जी मैंने ऐड किया है इसके अंदर बलाई आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं घर की बलाई भी ले सकते हैं बस ये जो घर की यूज़ करेंगे उसको आपने अच्छे से फेंट लेना है तो ये मैंने तकरीबन आधा कप ऐड किया है और अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना इसे तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी चिकन हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है नो डाउट कि इसका जायका बाज़ार से जो हम परचेज़ करते हैं चिकन हांडी उससे कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी चिकन हांडी की रेसिपी अच्छी लगी होगी लास्ट से मैंने इसे मिट्टी की हांडी में ट्रांसफ़र कर दिया था और साथ थोड़ी सी गार्निशिंग की बेहतरीन और मज़ेदार इसका टेस्ट था आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और ट्राई भी मस्ट करिएगा साथ ही मैं इसको सर्व करूँगी नानों के साथ गर्म गर्म और मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए नयम को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़